अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फाइलम रोटिफेरा की। और फाइलम रोटिफेरा के मेंबर्स जो हैं, इनके अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम कोरोना कहते हैं, जो कि सिलिएटेड ऑर्गन है। और इसके सीलिया की जो बीटिंग है, जिनकी मूवमेंट है, वो लोकोमोशन में हेल्प करती है और इसके साथ साथ फूड को इसकी तरफ ड्रॉन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कोरोना है, इसके हेड की लोब्स के अराउंड मौजूद है। ठीक है, कोरोना के फंक्शंस यहाँ पे मेंशन है, दो फंक्शंस हैं यहाँ पे कोरोना के। एक है लोकोमोशन और सेकंड इसका फंक्शन है फूड को इकट्ठा करना। अब कोरोना की जो सीलिया है, वो एक ही टाइम पे सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव नहीं करते। सिंक्रनी का मतलब यहाँ पे लिखा, वर्ड लिखा हुआ है। सिंक्रनी का मतलब ये है कि वो सारे के सारे इकट्ठे एक फैशन में मूव नहीं करेंगे। ठीक है, बल्कि कुछ सीलिया पहले मूव करेंगे और कुछ सीलिया बाद में मूव करेंगे, कुछ लेट हो जाएंगे। और इस तरह की इसकी अरेंजमेंट जो है, उसकी वजह से इसकी जो सिलरी बीटिंग है, वो ऐसे फील होगी जैसे दो व्हील्स स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको हम लोग पहले व्हील्ड एनिमल क्यूज भी कहते थे। ठीक है, रोटिफर्स जो है, इनके साइज की बात करें तो 0.1 से 3 मिलीमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। और हैबिटेट इनका फ्रेश वाटर है, और कुछ को 10% स्पीशीज जो है वो मरीन एनवायरमेंट्स में भी मिलती है। 2000 के राउंड अबाउट स्पीशीज हैं इनकी, और इनकी तीन क्लासेस हैं, और ये वाली टेक्सोनॉमी स्टिल रिवीजन इसकी हो रही है, इस पे काम चल रहा है। इसकी बॉडी के 1000 सेल्स हैं। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज की स्पेसिफिक मैं आपको बताता जाऊं कि इसमें यूटेली का प्रोसेस है। यूटेली जो है, ये ऐसी करेक्टरिस्टिक है जिसमें ग्रोथ के टाइम पे किसी ऑर्गेनिज्म के सेल जो है, उनका नंबर इंक्रीज नहीं करता, लेकिन सेल्स का साइज इंक्रीज करता है। सेल्स साइज में ग्रो करते हैं, लेकिन सेल्स डिविजन नहीं हो रही होती, माइटोसिस का प्रोसेस रुक जाता है। इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, वो फिक्स बता दिए हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1000 सेल्स इसके अंदर होते हैं। रोटिफर्स जो हैं, अकेले रहते हैं, सॉलिटरी हैं और फ्री स्विमिंग हैं, लेकिन कुछ इसके जो पैरासिटिक फॉर्म भी हैं, और वो पैरासिटिक फॉर्म असल में पैरासाइट्स हैं इन वर्टिब्रेट्स के। इसलिए उनके ऊपर ज्यादा स्टडीज जो है वो नहीं की जा रही है, इतने इंटरेस्ट उसमें नहीं लिया जाता, क्योंकि ज्यादातर जो पैरासाइट्स हम स्टडी करते हैं, जिन पे हमारा फोकस होता है, वो ह्यूमन के पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको थोड़ा सा कम स्टडी किया जाता है एज पैरासाइट्स, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट्स के पैरासाइट्स हैं, स्पेसिफिकली ये आर्थ्रोपोड्स के और जो एनालिड्स हैं उनके पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ कॉलोनियल फॉर्म्स भी हैं, और कुछ फॉर्म्स जो हैं वो जो ग्रेन के सैंड के ग्रेन्स हैं वहां पर रह रहे हैं। इनकी बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, बॉडी में सेल्स की टिश्यू की तीनों लेयर्स मिलती हैं, और बाइलेटरल सिमेट्री इनके अंदर है, बॉडी अनसेगमेंटेड है, और ये सूडो सिलोमेट है। सूडो सिलोमेट ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू सिलोम मौजूद नहीं होती, जिनके अंदर जो एक्टोडर्म है उसके नीचे मेसोडर्म की एक लेयर मौजूद है, लेकिन मेसोडर्म की लेयर एंडोडर्म को जो है वो कवर नहीं कर रही। ठीक है ना, जो ट्रू सिलोमेट्स एनिमल्स हैं उनके अंदर ये होता है कि मेसोडर्म स्प्लिट हो जाती है दो लेयर्स में, एक को पेराइटल मेसोडर्म कहते हैं और एक को विजरल मेसोडर्म कहते हैं। तो वो दोनों लेयर्स में स्प्लिट हो जाती है, लेकिन सूडो सिलोमेट्स में कैविटी तो मौजूद है, लेकिन वो कैविटी जो है दोनों साइड्स पे मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, एक साइड पे मेसोडर्म है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट है, इट मींस कि इसमें माउथ और एनस मौजूद है, और उसमें रीजनल स्पेसिफिकेशंस भी हैं, स्पेशलाइजेशंस भी हैं, कि कुछ जो है फेरेंक्स वाला पोर्शन फूड को गैदर करने में हेल्प करेगा, जो हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं वो एंजाइम्स रिलीज करेंगी, इंटेस्टाइन जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। तो इस तरह से डिफरेंट इसके रीजन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज है। जो इंटीरियर एंड है, वहां पे जैसे हमने स्टार्ट में इसके इंट्रोडक्शन पढ़ा कि वहां पे कोरोना जो कि सिलिएटेड स्ट्रक्चर है वो मौजूद है। पोस्टीरियर एंड पे इसका फुट है, और वहां पे टोज हैं, और उन टोज में एडहेसिव ग्लैंड्स हैं जिसको सबस्ट्रेट के साथ टेम्परेरली अटैचमेंट में प्रोवाइड हेल्प करती है। इसके अलावा क्यूटिकल इसकी वेल डेवलप्ड है, प्रोटोनेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर के तौर पे मौजूद हैं जिनमें फ्लेम सेल्स हैं। और इस जो फाइलम है, इसके अंदर नेल्स कुछ क्लासेस के अंदर कम मिलते हैं या नहीं मिलते। ठीक है, और पार्थिनोजेनेसिस जो है एक कॉमन वे है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं कि इसकी जो एपिडर्मिस है वो क्यूटिकल सेक्रीट करती है, और जो क्यूटिकल है वो इसको कवर करती है। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज के अंदर क्यूटिकल थिक हो जाती है और एक कवरिंग बना देते हैं जिसको लॉरिका कहते हैं हम। ठीक है, और ये जो क्यूटिकल या लॉरिका जो है, इसका फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन है, और ये सपोर्टिव एलिमेंट है, मेन सपोर्टिव स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम इसकी जो
एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन की बात करें जो सपोर्ट बॉडी को दे रहा है वो कुछ इसके अंदर स्केलेटन भी है, इसके अंदर स्केलेटन हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी है क्योंकि फ्लूइड जो सुडोसिलोम के अंदर है वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा इसकी एपिडर्मिस जो है वो सिंसिटियल है, सिंसिटियल एपिडर्मिस ऐसी एपिडर्मिस होती है जिसमें जो हर एक सेल जो है उसके बीच में एक बाउंड्री नहीं है, सेल सेपरेटेड नहीं है बल्कि वो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मैस बना रहे, ठीक है। इसके हेड के में कोरोना है, माउथ है, सेंसरी ऑर्गन्स हैं और ब्रेन है। कोरोना जो है वो हमारे पास जितना एरिया उसके सीलिया ने कवर अप किया हुआ है उन एरियाज को हम उस सारे एरिया को ब्यूकल फील्ड कहते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, ब्यूकल फील्ड। अगर आप इस फिगर में देखें तो यहाँ पे ये वाला जो रीजन है जो दोनों सीलिया के जो कोरोना के से मिडल में आ रहा है ये रीजन जो है ये ब्यूकल फील्ड है, ठीक है, जहां तक इसकी सिलरी बीटिंग का इफेक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप इसके देखें तो रोटिफर जो है इसका ट्रंक लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है, और सैक लाइक होता है। इसकी एनस जो है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कहा था कंप्लीट है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और इसमें जो एनस है वो कहाँ पे मौजूद है, पोस्टीरियर एंड पे मौजूद है डॉर्सल पोजिशन में, ठीक है। और इसके पोस्टीरियर एंड जो है बाद में नैरो डाउन होके फुट बनाता है, और जो फुट का टर्मिनल पोर्शन है वहां पे टोज होती हैं, और जो हर एक फुट है उसकी बेस में पेडल ग्लैंड्स हैं जो कि सेक्रीशंस प्रोड्यूस करती हैं और वो सेक्रीशंस को टेम्परेरली अटैच करने में हेल्प करती हैं, ठीक है।